स्टार रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के ट्रिपल एस स्टूडियो में, जहां पर कृष्णा तुलसी जी की तरफ से एक भक्ति संगीत का कार्यक्रम किया गया है। आइए मिलवाते हैं। कृष्णा तुलसी जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करती हूँ कि आप ही की तक करिए, लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। खैर, मेरे को तो खैर कुछ नहीं आता, हमारे भैया को और हमारा दोनों का प्रोग्राम था, क्योंकि फिल्मी गीत तो डेली होते हैं, क्योंकि फिल्मी गीत को लोग ऊपर कर रहे हैं, भगवान के नामों को नीचे कर रहे हैं लोग। तो हमने भैया ने दोनों मिलकर सलाह करी, हम हर महीने एक संगीत का कार्यक्रम करेंगे और ऐसे ही भजन संध्या करेंगे। और उस मुझे सहयोग देने वाले पूरे मुकेश जी हैं और ऊपर हमारे टी सी चौहान जी, जिन्होंने मुझे कहा कि मैंने रखा था, उन्होंने कहा कि इस बार ऑर्गेनाइज़र आप हैं। मैं कहा बहुत अच्छा, पर मैं फिल्मी नहीं करूँगी, मैं भजन संध्या करूँगी। तो मैं मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने टी सी चौहान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आपका शुभ नाम? पूनम अबराय। पूनम जी, क्यों ज़रूरी है इस तरह के धार्मिक आयोजन, फिल्मी संगीत से हटकर जो किया है तुलसी जी? जी, आजकल ये धरती पे बड़ा पाप का बोझ बढ़ गया है, लोग झूठ कपट छल कपट जितना हो सकता कर रहे हैं, तो ये भक्ति भाव के प्रोग्राम होते रहें तो थोड़े से लोगों में अंदर कुछ भावना जागृत हो, इसलिए भक्ति प्रोग्राम ज़रूरी है, फिल्मी गाने तो चलते रहते हैं। बहुत खूब। पुष्पा जी, जो हर कार्यक्रम की शान है, अपने नृत्य के माध्यम से चार चांद लगा देती हैं हर कार्यक्रम को, पुष्पा जी क्या कहेंगे? जी, मैं इस प्रोग्राम के बारे में तो यही कहूँगा कि पहले तुलसी दीदी को और टी एस चौहान जी को और मुकेश सर को और सबको मैं बधाई देती हूँ जो मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया। तो मैं आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक नहीं दो दो प्रोग्राम होने चाहिए भक्ति लाइन के हमेशा के। जरूर होंगे, जरूर होंगे। पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? अनु। अनु जी, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम? मैं यही कहूँगी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और आगे भी यही चलता ही रहे, संगीत वगैरह तो होते ही रहते हैं और भजन कीर्तन भी होते रहे, वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब। मनोज वर्मा जी। जी मनोज वर्मा जी, आप भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, क्या कहेंगे ये जो एक लीक से हटके हुआ है फिल्मी गीत से हटके भक्ति संध्या? जो भक्ति गीत भक्ति भजन संध्या या ठाकुर जी का हो या माता जी माता रानी का हो, ये हमें करते रहना चाहिए। अगर हम भगवान के चरणों में हमेशा अपने आप को विराजमान रखेंगे, चरण अपने उनके चरणों में अपना सर झुकाए रखेंगे, तो आगे सदैव रास्ते अच्छे अच्छे खुलते रहेंगे। आप हर इंसान को यही सोचना चाहिए कि भगवान का भक्ति भाव के अंदर डूब जाना चाहिए। और रोज़ाना मैं तो ये कहता हूँ कि रोज़ाना जब हम खाना खाने के लिए टाइम निकालते हैं, अपने वर्क के लिए टाइम निकालते हैं, तो भगवान के लिए भी कम से कम हमें जाप जरूर करना चाहिए पर डे। हम धरती पे भगवान ने भेजा है तो इसीलिए भेजा है कि हम अच्छे कर्म करें, मेरा यही कहना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी एक्ट्रेस सोनिया जी। सोनिया जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? सर, आज सबसे पहले तो मैं तुलसी जी का धन्यवाद करती हूँ, और इतना अच्छा लगा माता रानी का कीर्तन में आके, मैं आ नहीं रही थी फिर भी मैं आई। माता रानी का कीर्तन करना चाहिए सबको, माता रानी का, शिव शंकर भगवान किसी का भी बहुत ज़रूरी है। गाने उन्हें से तो ज़्यादा अच्छा यही लगता है, ये जीवन समारता बंदे का बहुत अच्छा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार शेरगढ़िया है। मैं प्रोफेशन से एक बिजनेस मैन हूँ, और मैं जो पूरे महीने काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, कहीं पे भगवान का नाम लेता हूँ, तो मुझे यही समझ में आता है कि हम लोग उन लोगों को खोजें जो भगवान की भक्ति से जुड़े हुए हैं। हम सब काम अपने आप नहीं कर सकते, इसलिए हमें टी सी चौहान जैसे बड़े ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती है जो अपने काम को अच्छे से करें और हम उन्हें सपोर्ट करें। शायद भगवान ने इसीलिए इस काबिल बनाए कि हम समाज में रह के समाज के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ें। और यही नहीं कि हम भक्ति शो काम करते हैं तो हम भक्त हो गए, ये हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। जब हम छोटे थे तब से हनुमान चालीसा पढ़ते थे, पूजा पाठ करते थे, आज वही पूजा पाठ है जो हमें आगे अपनी विरासत को देनी है। जैसे जैसे कल्चर बढ़ रहा है, लोग अपनी माँ का खाना, हाथ का खाना भूल गए, अपने परिवार उसके साथ रहना भूल गए, कम से कम भगवान के साथ तो जुड़े रहें। अगर हमें तुलसी जी जैसे, टी सी चौहान जी जैसे ऐसे नगीने मिलते हैं जो आज भी कल्चर को लेकर चलते हैं, तो मैं सोचूंगा मेरे को साक्षात भगवान मिल गए जो मुझे अपने इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमें इससे कोई नफ़ा या नुकसान नहीं है, लेकिन इतना ये पता है कि यहाँ पर जो 100 लोग आते हैं, 200 लोग आते हैं, वो एक बार भगवान को याद करते हैं तो शायद कोई तो होगा
जो भगवान तक जब मैं जाऊँ आज से 50 साल बाद 40 साल बाद जब भगवान बुलाए तो वहाँ पर मेरे अपने साथी तो हों, भगवान बोले तो उसी, इसने मेरे लिए 4 भजन भी किए हैं इसने। बस मैं ये बोलना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि लोग जुड़े, दुश्मनी करने का किस पे टाइम है, प्यार मत करो, भजन तो कर ही लो। थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर संदेश। हमारे साथ मौजूद हैं एक जाने माने समाज सेवी और एक पेशे से वकील राजेश जी, क्या कहेंगे राजेश जी? आज 24 जून 2024 को परमपिता परमेश्वर के चरणों में एक बहुत ही सुंदर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन TC चौहान जी और कृष्णा तुलसी जी ने किया। इस भव्य कार्यक्रम के लिए, आत्मीयता भरे कार्यक्रम के लिए मैं ऑर्गेनाइजर एंकर राजेश्वर सिंह अपनी नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से और ट्रिपल के इवेंट्स की तरफ से इन्हें अनंत शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर आज भक्ति भाव से सभी भगवान के धार्मिक गीतों को गाया गया, उनकी स्तुति की गई, आराधना की गई और IRS न्यूज के द्वारा इस धार्मिक कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर तरीके से कवरेज किया गया। इसके लिए मैं VP शर्मा जी आपको और INS न्यूज को भी अपना ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और वासुदेव जी से सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और इसी तरह से धार्मिक गीत गाते रहें, गुनगुनाते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ मौजूद हैं AK मैग्नेट जी, ये भी हर कार्यक्रम को अपने नृत्य के द्वारा बहुत ही खुशनुमा बना देते हैं, क्या कहेंगे आज? धन्यवाद सर आपका। मैं AK मैग्नेट 7 बीट्स स्टूडियो की तरफ से तुलसी कृष्णा जी, TC चौहान जी और मुकेश जी, जिन्होंने ये माँ भगवती का प्रोग्राम का आयोजन किया और ऐसे प्रोग्राम भी होते रहने चाहिए। जिस प्रकार हम जिंदा रहने के लिए शरीर को बचाते हैं, खाते हैं, तो हमारे जो विकास है वो 3-डायमेंशनल होना चाहिए, जो कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। तो ये जो अभी कार्यक्रम चल रहा है तो ये हमारे आध्यात्मिक विकास की को बढ़ाता है और जो कि ये होना चाहिए। अगर हमारा मेंटल विकास है तो हम कई चीज़ों से, बुराइयों से बच सकते हैं। ये हमें रोकने का भी काम करता है, हमें अच्छे बुरे का भी बताता है। तो हमें अपनी ऊर्जा को एक पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करते रहना चाहिए जिससे कि सृष्टि में भी इसका संचार हो सके। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कहाँ मुझे तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरी सांस में, ना मैं काशी ना मैं कावा, मैं तो हूँ विश्वास में। तो जिस विश्वास से इन्होंने ये प्रोग्राम आयोजन किया है तो मैं इनको ढेरों शुभकामनाएँ और आए हुए सभी भक्तों को जो यहाँ पर हैं और जो जा चुके हैं, सभी को स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मंगल कामना के साथ मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैंने साहब आपका। आपका शुभ नाम? मीना गुप्ता। हाँ जी, मीना गुप्ता। मीना गुप्ता जी, क्या कहेंगे आज के इसका? वैसे धार्मिक कार्यक्रम करने से मन का शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। दुनिया को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। वो देखने से ही दुनिया बदल जाएंगी, लेकिन दुनिया में अगर देखना चाहें तो घर या बाहर में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, किस किस को समझाते जाएं। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को बदलना है। उस ये धार्मिक चीज़ें हम करते रहते हैं, चाहे धार्मिक में हम जाते हैं तो हर किसी को एक अंदर से जागरूकता होता है कि हमें भी करना चाहिए। बस मेरा यही विश्वास है। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं तुलसी जी के पुत्र, क्या नाम आपका? भुवेश शर्मा। आपकी मम्मी इतने धार्मिक कार्य कर रही हैं, आप इस प्रथा को आगे कैसे ले जाएंगे, क्या करेंगे? प्रभु जी, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी जिस लेवल पे हैं, भगवान की पूजा करती हैं, पापा भी मेरे इस्कॉन के पुजारी हैं समथिंग, कि वो बहुत ऊपर जाएं और मैं उनके चरणों में रहूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी बहुत अच्छे लेवल पे जाएं और हमेशा रहें। मुझे अच्छा लगा आज प्रोग्राम, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ क्योंकि मैं कुछ अलग वे में हूँ, लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि समथिंग इस जगह पर कि मेरी मम्मी इतने अच्छे लेवल पे हैं। मुझे अच्छा लगा अंदर से क्योंकि मेरी माँ इतने परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी आर्टिस्ट बन रही हैं। इट्स लाइक मैं जानता हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए बहुत कुछ करती है, मैंने भी उनको बहुत कुछ बोला है एक टाइम पे, लेकिन आज मुझे पता लग रहा है कि माँ और बाप के चरणों में ही स्वर्ग है, वरना कहीं भी नहीं है। वाह वाह वाह, माँ बाप के चरणों में, बहुत सुंदर संदेश। हमारे साथ मौजूद हैं टाइगर जोगिंदर सिंह जी। जोगिंदर जी, आप आज इस माता के जागरण में आके पुण्य लाभ तो कमा ही रहे हैं, समाज को एक संदेश भी दे रहे हैं कि हम सब मिलजुल कर अपने इस तरह के कार्यक्रम करें धार्मिक, क्या संदेश? अवली अल्लाह नूर पाया, कुदरत ये सब बंदे
एक नूर से सब जग उपजया कौन पले को मंदे। सबसे पहले मैं इस महामारी के प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया, तुलसी चौहान जी, टीसी चौहान साहब, मैं इनको व पूरे साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि कल्चर प्रोग्राम गाने डांस ये वो समथिंग ये तो चलता ही रहता है, लेकिन उस ईश्वर का नाम, उस परमात्मा का नाम कभी कभी और कहाँ कहाँ लिया जाता है, जो कि आज के युग में बहुत ज़रूरी हो चुका है। उस ईश्वर की तरफ ध्यान देना, उस प्रभु परमात्मा का सिमरन करना, जो कि हमारे इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक शायर लिखते हैं, कलम मंदिर से शायर लिखते हैं हिंदू कहता है मंदिर में आ, हिंदू कहता है मंदिर में आ, मुस्लिम कहता है मस्जिद में आ, सिख कहता है गुरुद्वारे में आ, ईसाई कहता है गिरजे में आ, कहता है इधर गिरजा उधर गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा, चारों खुदा के घर हैं, जहाँ तेरा जी चाहे वही गिरजा, रस्से अलग अलग हैं, मंजिल तो एक है। तो हमारे यही गुजारिश, यही हमारी इंतज़ार है, जो आज यहाँ प्रोग्राम तुलसी जी ने किया, टीसी चौहान साहब ने किया, और आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से इतने लोगों तक पहुँचाया, मैं आपके INS चैनल का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और टाइगर जोगिंदर सिंह हमेशा ही दुआ करता है कि हमेशा खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखे। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर संदेश। रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक है, सबका मालिक एक है। बहुत सुंदर संदेश टाइगर जोगिंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और कृष्णा तुलसी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी तरह से आप धार्मिक कार्यक्रम करती रहें और सबको जोड़ती रहें। एक जरिया है जी, जिन्होंने सबको इकट्ठा किया, एक जरिया है। जिस वक्त को जरिया बनता है वो बनाने में बनता है, इनके मन के अंदर, इनके दिल और दिमाग के अंदर एक को लोगों को कैसे यूनाइट करना है, डांस सिंगिंग ये वो तो सारे कर लेते हैं, लेकिन ऐसे प्रोग्राम के ऊपर यूनाइट करना बहुत मुश्किल है। जो आज ये देखा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। तुलसी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का। कैमरामैन रंजन के साथ कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा, क्योंकि कलयुग में सिर्फ हम नाम से ही तर सकते हैं। और बाकी मंदिरों में लोग जाते हैं, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के भी कीर्तन कर सकते हैं, पर लोग आज करते नहीं हैं, क्योंकि इतना होता जा रहा है, क्योंकि जो भक्ति है ना वो कम होती जा रही है और दूसरी चीज़ें उड़ती जा रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ हर घर के अंदर महीने में एक बार कीर्तन होना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रंजन के साथ VP शर्मा, INS धन्यवाद।
What?